जी तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज के दिन हम बात करने वाले हैं आर पावर लिमिटेड के बारे में। तो स्टॉक लगभग 10 रुपये 10 पैसे पे आ चुका है और जैसे ही गिरावट की उम्मीद थी वो स्टॉक ने दी है और भारी गिरावट देखने को मिली आपको पिछले टाइम में आर पावर के अंदर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि ऐसे अगर गिरावट देखने को मिलती है स्टॉक्स के अंदर तो वो इम्पैक्ट डालती है बुरा वाला, क्योंकि ऐसे स्टॉक अगर गिरते रहेंगे तो इंसान करेगा क्या? हाँ, आपका सही क्वेश्चन, इंसान करेगा क्योंकि इतने हाई लेवल पर बाइंग प्राइस आ चुकी थी इसकी 13-10 पे, उसके बाद इतनी ज़्यादा गिरावट आई थी और अभी रुकी नहीं रही गिरावट। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 दिन की तो आप देख सकते 15% जैसी भारी गिरावट, महीने भर में 21 जैसी भारी गिरावट, 6 महीने में पॉजिटिविटी थी 400% की वो बिल्कुल ही आधी हो चुकी है, तो वो एक बहुत बुरी बात है। अगर एक साल की बात करें वो 162% रह चुकी है, और बात करूँ जहाँ 600% जैसे रिटर्न स्टॉक ने दिए थे वो अब बस 160 रहते हैं। तो बहुत बुरा लगता है अगर इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है स्टॉक्स में, तो वो एक बुरी बात थी। अगर आप देखिए, अगर बात कर ले पूरे 5 साल की तो आपको देखने को मिलेगा भारी गिरावट है स्टॉक के अंदर। 60 रुपये पे कभी गया हुआ स्टॉक है और फिर एकदम से गिरावट में अगर स्टॉक को देखा जाए तो वो बहुत बुरी चीज़ हो जाती है कि इतनी ऊपर जाने के बाद इतना नीचे गिर जाता है स्टॉक तब। और अगर बात कर ले मैक्स की तो आपको भारी गिरावट इस टाइम भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी एक स्टॉक की पॉजिटिव बात क्या है, इसके फाइनेंशियल जिसके ऊपर उम्मीद लगाई जा सकती है वो फाइनेंशियल अगर दिखाऊं तो पिछला क्वार्टर बढ़िया गया, जून वाला, मार्च वाला भी बढ़िया था, ओवरऑल दिसंबर भी बढ़िया, सितंबर भी बढ़िया, मतलब ओवरऑल हर क्वार्टर बढ़िया जा रहा है स्टॉक का। तो आप इसको लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं और स्टॉक के अंदर हमें बिलीवेंस मिलता है कि हाँ स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर आप देखें एक तौर से तो अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी जी के भाई है तो कहाँ तो उनको सपोर्ट मिलेगा, फैमिली सपोर्ट कहाँ तो मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो जो मुकेश अंबानी जी वो अपने भाई को नहीं डूबने देंगे, एक दो बार मदद की और ऐसी कंपनी में मदद करेंगे, और साथ में कंपनी है वो टेलीकॉम सेक्टर से हटके डाटा सेंटर की बिजनेस कर रही है, इसकी दूसरी कंपनी आरकॉम और आर पावर के भी बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं, तो दो कंपनी और आर इंफ्रा भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, तो ओवरऑल 3 कंपनियाँ बढ़िया परफॉर्म करेगी। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।